तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं अपने DJI Osmo Action कैमरे का फुल रिव्यू। तो गाइस इस कैमरे की मैं फुल डिटेल्स देने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये है हमारा DJI Osmo Action कैमरा, और गाइस इसके साथ हमें मिलता है एक केस, और गाइस दो माउंट मिलते हैं। एक माउंट मैंने अपनी हेलमेट पे लगा रखा है, और गाइस इस कैमरे को परचेज किए गए मुझे नियर अबाउट 6 मंथ हो चुके हैं, और ये बॉक्स है गाइस जिसमें ये कैमरा आता है। और गाइस 6 महीने का मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। ये है बैटरी कंपार्टमेंट, और यहाँ पे ये देखिए बैटरी बाहर आ चुकी है। और गाइस यहाँ पे बैटरी में हमें 2 लॉक्स मिलते हैं, और लॉक्स की बहुत ख़ास बात ये है कि ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये बैटरी पूरी तरह से नहीं लगी, और अब बैटरी लग चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है इन दोनों लॉक्स की। और साइड में गाइस हमें मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट और माइक्रो SD कार्ड जहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस इस कैमरे को गाइस मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और फुल डिटेल्स देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा गाइस। तो गाइस ये है कैमरे का बैक स्क्रीन, इसको हम इस तरह से काम में ले सकते हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है, तो इसी तरह से यूज़ करेंगे। और ये है कैमरे का फ्रंट स्क्रीन, जब हम व्लॉग कर रहे होते हैं तो गाइस ये फ्रंट स्क्रीन हमारे बहुत काम आती है, बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। और गाइस सेकेंड फीचर है 4K HDR, और इस कैमरे में हम 4K HDR रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइज कैमरा का वाटरप्रूफिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूल तो नहीं है, पर हमारे पास पानी का एक टब है छोटा सा, तो उसमें हम कैमरे को डुबोएंगे, ठीक है। तो वैसे ये 11 मीटर तक पानी में जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा वो टब, तो इसमें हम कैमरे को डुबा के देखते हैं, ठीक है। तो अब हम कैमरा यहीं पर भी रिकॉर्डिंग होना है और वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग होना है, और कैमरे को पानी में डुबोते हैं गाइज। तो गाइज ये कैमरा फुली वाटरप्रूफ है, मैं इसको कई बार टेस्ट कर चुका हूँ, और मैंने कुछ अंडर वाटर वीडियोज भी बना रखी हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं 2-3 वाटर पार्क जो है वाटर पार्क घूमने गया था, तो मैंने बहुत से यूज़ किए हैं अंडर वाटर। तो गाइज अंडर वाटर के मामले में ये कैमरा बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइस, ठीक है गाइज। तो गाइज ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये मैंने माइक जो इसमें नहीं लगाया है, ये कैमरे के इंटरनल माइक से वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, और इस ये मैं फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080 60 FPS पे, और इस पर हमने जो रॉक स्टडी मोड है वो ऑफ रखा है, क्योंकि मैं स्टेबलाइजेशन आपको दिखाना चाहता हूँ इसका। तो ये है विदाउट अनस्टेबल फुटेज है जो मैं अभी चल के दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। तो हम दौड़ भी लेते हैं थोड़ा, ताकि हमें अच्छे से कैमरा का स्टेबलाइजेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये था वो फुटेज जो मैंने रॉक स्टडी मोड के बिना किया है। तो गाइस अब हम रॉक स्टडी मोड ऑन करके कैमरा का फुटेज रिकॉर्ड करते हैं, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइज़ अब हमने रॉक स्टडी मोड कर लिया है ऑन, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन चेक करेंगे इस फुटेज में, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं भाग रहा हूँ, और मुझे बताइएगा स्टेबल है यह फुटेज या नहीं, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक दोबारा से हम ऐसे हम अगर चल के अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो कैसा स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए आपको कैमरा का रॉक स्टडी मोड कैसा लगा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन गाइस मुझे तो इसका बहुत ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टेबल है गाइस, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस इसमें हम 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक हमें 4K भी हम स्लोमो में मिल सकता है, लाइक एडिट कर सकते हैं 60 FPS को। और गाइस 1080 पिक्सल पे हम इसको 240 FPS तक लेके जा सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइज मेरा सबसे फेवरेट जो फीचर है वो है स्लो मोशन 1080 पिक्सल पे 8x स्लोमो। तो गाइज देखिए किस तरह से ये स्लोमो को कैप्चर करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइज ये कैमरा मुझे पूरा पैसा वसूल लगता है, और ये कैमरा गाइज मैंने
अमेजोन पे एक ऑफर था, तब परचेज किया था ये कैमरा, मुझे 19,000 का पड़ा था। बट अब आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, ये पता नहीं मुझे अब करंट टाइम में जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये कितने का होगा, पर गाइज ये कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।